हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम इन लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2000 आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप पर चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव दी जा रही है। आप अपने इस चैनल बीकॉम इन लर्निंग को स्टार्टिंग टू एंड वीडियो देखें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर करें, ये जरूर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मॉक टेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो आपके इन अगले एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में बहुत सपोर्टिव नेचर से मैक्सिमम आप नंबर्स प्राप्त कर ले, अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर है इंटरव्यू एंड मॉक इंटरव्यू। तो इंटरव्यू तो आप लोग जानते ही हैं क्योंकि आप ग्रेजुएशन स्तर के स्टूडेंट्स हैं। देखिए, आपको आगे कोई भी एग्जाम देनी है, आप अच्छे क्वालिफिकेशन मैक्सिमम सैलरी के पैकेज पे जाइए। तो इसके लिए जो कंपनियां अपने जो जॉब के लिए स्किल पर्सन की आवश्यकता, एक ग्रुप ऑफ पर्सन, एक बहुत से लोगों में एक स्किल पर्सन को जो ढूंढना होता है उसे वह प्राप्त करने के लिए वह इंटरव्यू लेता है, जिससे वह अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करते हुए उस पर्सन का सिलेक्शन करती है। उस पर सिलेक्शन करके उस पर वह अपना बिलीव करके उसे सैलरी पैकेज जो भी कंपनी का है वो कमिटमेंट करके उसे पूरा करके अपने वर्क को पूरा करती है। तो जो इंटरव्यू, द इंटरव्यू इज ए टेक्निक फील्ड वर्क विच यूज्ड वॉच बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल आर इंडिविजुअल टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट टू ऑब्जर्व कंसंट्रेट रिजल्ट सोशल एंड ग्रुप इंट्रैक्शन के रूप में हम देखते हैं। तो यह एक सोशल वर्क के रूप में हम उसके करते हैं। इसके अंतर्गत इसका ऑब्जेक्ट यह रहती है कि हमें उस पर्सन के विषय में टोटल नॉलेज, वर्किंग सिस्टम, क्वालिफिकेशन और वर्किंग कैपेसिटी, स्किल डेवलपमेंट की के विषय में नॉलेज लेते हैं। इंटरव्यू टाइप ऑफ द इंटरव्यू प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कहते हैं। नेक्स्ट आपके लिए कोर इंटरव्यू होती है और लास्ट आपके लिए डिसीजन मेकिंग इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी प्राथमिक इंटरव्यू के अंतर्गत या फॉर्मल रूप से हम ले सकते हैं इनफॉर्मल, किसी एक निश्चित प्लान के अंतर्गत कुछ लोगों को फॉर्म निकाल के, फॉर्म रख के उस डेट को, एग्जैक्ट डेट को बुलाया तो फॉर्मल इंटरव्यू होगा। इनफॉर्मल किसी स्कूल कॉलेज में जाके डायरेक्ट हम इंटरव्यू लेते हैं और स्किल पर्सन को हम सेलेक्ट करते हैं। कोर इंटरव्यू, इसके लिए बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, हम कोई एग्जाम लेते हैं उसमें क्वालिफाइड करके उस पर्सन को लेते हैं। जॉब एंड बॉबिंग इंटरव्यू, अब उनकी वर्क की जानकारी के आधार पर हम करते हैं। स्ट्रेस इंटरव्यू, उनके मेंटल कंडीशन को जानते हुए हम इंटरव्यू लेते हैं। नेक्स्ट है डेप्थ करते हैं, एकदम लास्ट डिसीजन तक देखते हैं, जैसे आईएएस वगैरह का, ये सब हमेशा बहुत डेप्थ इंटरव्यू होती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी चीजों को वो छोड़ते नहीं और पूरी पोजीशन हर एक्टिविटी को ध्यान रखते हुए की जाती है। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। अब लास्ट में इंटरव्यू लेने के बाद हम डिसीजन लेते हैं कि किसको हम क्या सिलेक्शन किया जाए। इंटरव्यू का वर्क करते समय हमेशा इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन के विषय में हमें, जैसे जिसको भी इंटरव्यू देना है उसको पूरे नॉलेज डेवलपमेंट आपको करनी पड़ेगी, स्टडी इन द पास्ट एंड प्रेजेंट टाइम के लिए आपको जानकारी होगी, पॉसिबिलिटी आप इंसेंटिव स्टडी आपको करनी होगी, उसके बाद सिलेक्शन आपको किया जा सकता है। सर्विस में इंटरव्यू अपने आप में बहुत ही योगदान रखती है। गाइडलाइन फॉर इंटरव्यू तो बी प्रिपेयर्ड ऑफ इंटरव्यू, हमेशा प्रिपेयर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है इफेक्टिव यूज ऑफ द बॉडी लैंग्वेज, आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका ड्रेस क्या है, आपकी टंग क्या है, आपका बिहेवियर नेचर क्या है, इन सब चीजों पर इंटरव्यू में विशेष ध्यान दी जाती है कि जिसके आधार पे हम निर्णय लेते हैं। क्वेश्चन इन लिसनिंग, सुनने की क्षमता होगी तब आप जवाब दें, तो पूरी बातों को सुने, करेक्ट कंप्लीट एप्रोप्रिएट,
जब पूरी बातें हम सुनेंगे तब अभी हम करेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। और राइट टॉकिंग हमेशा सही चीजों को ही बोलना है, पॉजिटिव नेचर में चलना है, और सी क्लेरिफिकेशन, जो चीज न समझ में उसकी क्लेरिफिकेशन कर सकते हैं। इंटरव्यू के थ्रू हम एक अच्छे स्किल का सिलेक्शन, एक इंटरव्यू से स्टूडेंट अपने आप को प्रिपेयर्ड समझता है। अब इंटरव्यू के विषय के अंतर्गत आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनते हैं, उस क्वेश्चन को हमने दिया है, आप स्टार्टिंग टू एंड देखें और आप अपने इस चैनल को शेयर जरूर करें कि मैक्सिमम स्टूडेंट, आपके फ्रेंड सर्किल भी इस क्वेश्चन, इस यूट्यूब चैनल बीकॉम ई-लर्निंग विशाल सिंह पर आप सब्सक्राइब करके नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम एग्जाम आपको मिले। व्हाइल गिविंग एन इंटरव्यू फीलिंग बैक इन योर सैलरी एक्सपेक्टेड, जब फर्स्ट टाइम आप कोई भी इंटरव्यू देते हैं तो आप किस सैलरी को एक्सपेक्ट करना चाहेंगे, मॉडेस्ट, मामूले, अनरियलिस्टिक, रियलिस्टिक, नॉन ऑफ दी। तो हमेशा जब फर्स्ट टाइम हम रहेगा तो हम ये सोचेंगे कि मिनिमम सैलरी पर हमारा वर्क चलिए, तो मॉडेस्ट सैलरी का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप के लिए आता है फिलिंग ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर टू, इज आल्सो नो एज नॉन डायरेक्ट इंटरव्यू, कौन सा इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू के रूप में नहीं है, इंस्ट्रक्टेड, अनइंस्ट्रक्टेड, डेप्थ एग्जिस्ट। इंस्ट्रक्टेड तो क्राइटेरिया पहले से क्लियर है, डेप्थ जब गहन जांच करनी है तो पहले हम बताएंगे, एग्जिस्ट बाहर से करना है, तो अनइंस्ट्रक्टेड जो अचानक हो गई किसी, जैसे अभी इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, कोई आपको आपका न्यूज एंकर्स वगैरह आपके एट द टाइम डायरेक्ट आपसे मिलते हैं और आपको पूछते हैं कि आप किस पार्टी को वोट करना चाहते हैं, किसका आप सरकार देखना चाहते हैं, तो ये अनइंटरेस्टेड हो गया कि कहीं पे वो कहीं मिलके अपना क्वेश्चन सेटअप कर लेते हैं, इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता, तो इसके लिए हम कहेंगे बी आपके लिए होगा अनइंटरेस्टेड। नेक्स्ट आपके लिए आती है क्वेश्चन नंबर थ्री, फॉर्मल इंटरव्यू इज आल्सो नो एज, फॉर्मल इंटरव्यू क्या है आपके लिए, प्लान्ड इंटरव्यू, अनइंटरेस्टेड इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, नन, तो ए आपके लिए होगा प्लान्ड इंटरव्यू। इनफॉर्मल अनप्लान्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, लेकिन फॉर्मल हमेशा प्लान्ड इंटरव्यू के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं। फोर्थ आपके लिए आती है इन विच ऑफ दिस इंटरव्यू इंसल्ट ऑफ द कॉमन, किन इंटरव्यू को आप कॉमन के रूप में आप देख सकते हैं, तो स्क्रीनिंग ऑफ द इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू, बिहेवियर इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, तो आपके लिए ये कॉमन स्ट्रेस इंटरव्यू, हमेशा हर इंटरव्यू में सबका कुछ न कुछ तनाव बना रहता है, सॉरी स्ट्रेस इंटरव्यू तनाव बनी रहती है, तो इसलिए स्ट्रेस इंटरव्यू सभी में कॉमन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव आपके लिए है, इन विच ऑफ दिस मोर देन वन कैंडिडेट इज इंटरव्यू, इन विच मोर कैंडिडेट, मोर देन किसमें से अधिक साक्षात्कार इंटरव्यू में से अधिक पर्सन को लिया जाता है, तो आपके लिए बिहेवियर इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, ऑडिशन, तो मोर देन कैंडिडेट, एक से कई लोगों को एक साथ लेना है तो ये हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप इंटरव्यू, एक व्यक्ति का कोई ग्रुप नहीं हो सकता, तो दो से अधिक व्यक्तियों का एक ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा। सिक्स है पैनल इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू आपके लिए क्या है, पैनल इंटरव्यू कई, एक फेस हुआ, सेकेंड फेस होगी, थर्ड फेस होगा, चैलेंज लंबा, एक बार में कोई मामला क्लियर नहीं होगा, तो इसके लिए जैसे आप कौन बनेगा करोड़पति, कई स्टेप आपको मिलते हैं, कई प्रॉब्लम आपको आती है, उसी प्रकार से नॉन यूज ऑफ टेन मोर एक्सपेंसिव फॉर दी कंपनी ऑलवेज यूज चैलेंजिंग, तो पैनल इंटरव्यू इज टोटल ऑफ दी चैलेंजिंग वर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, Which type of interview question is most meaningful
employer who want to access how you will perform on job. आप employer you want access how you will perform on job. आप आपके लिए ये रखता है कि कौन सा meaningful आपके लिए है, अर्थपूर्ण है कि employee कौन सी नौकरी का कौन सा प्रदर्शन करेगा, how will वह कौन सा प्रदर्शन करेगा. ट्रेडिशनल क्वेश्चन, स्क्रीनिंग क्वेश्चन, बिहेवियर क्वेश्चन, ऑल ऑफ अबव. तो कौन सा प्रदर्शन होता है, हमेशा आपके लिए बिहेवियर क्वेश्चन नेचर के रूप में यूज की जाती है. क्वेश्चन नंबर 8, द फाइनल एक्टिविटी इन द इंटरव्यू प्रोसेस, लास्ट में आप क्या कहेंगे, उठ के चले जाएंगे, घूरेंगे नहीं, थैंक यू, हम उनको धन्यवाद कहेंगे. तो थैंक यू नोट हम कहेंगे. नेगोशिएशन फॉलो अप हैंडशेक नहीं की जा सकती. नेक्स्ट स्टॉप के लिए आती है क्वेश्चन नंबर 9, द पर्सन हु क्वेश्चन द कैंडिडेट ड्यूरिंग द इंटरव्यू एज नो. इंटरव्यू के अंतर्गत आप कौन सी जानकारी लेना चाहते हैं, उम्मीदवार के रूप में जाना जाता है तो किसे, इंटरव्यूवी, इंटरव्यूअर, कम्युनिकेशन पैनलिस्ट, इंटरव्यूअर के रूप में हम भी आपके लिए होगा, आपके लिए क्या होगा जो दे रहा है उसे आप इंटरव्यूअर कहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एंड इंटरव्यू इज ए काइंड ऑफ ग्रीवेंस इंटरव्यू. ग्रीवेंस इंटरव्यू जिसमें आप उनसे अपना कोई प्रॉब्लम, कोई शिकायत भी कर सकते हैं, प्रमोशन एग्जिस्ट प्रॉब्लम स्ट्रेस शिकायत के रूप में, तो ग्रीवेंस एग्जिस्ट बाहर आने पर उस पर आप अपनी कोई भी शिकायत कर सकते हैं. आपने पूरी फुल क्वेश्चंस इंटरव्यू एंड मॉक को देखी, थैंक सो मच. एक बार पुनः 60 में क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बार बार देखने से ही तैयार होंगे. व्हाई गिविंग एन इंटरव्यू, filling up in your salary expression modest, filling up is also known non-direct interview, unstructured, formal interview is also known planned interview, in which of this interview insult of the commerce, a stress interview, in which of these more than one candidate is interview, the group of interview, panel interview are challenging, which type of interview question is most meaningful to employee who want to assess how you will perform the job, behavior questions, the final activity in the interview process, the thank you note, the person who questioned the candidate during the interview note, interviewer and filling back. Interview is a kind of grievance interview के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं तो एक चीज आपने स्टार्टिंग टू एंड इंटरव्यू को देखा. थैंक सो मच.